दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस टैग। तो बेस टैग का यूज़ कहाँ पे होता है, चलिए मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोड है, कोड में मैं एक इमेज टैग ले लेता हूँ, ठीक है। इमेज टैग में यहाँ पे पाथ दे देता हूँ, लेकिन पहले हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोल्डर में मेरे पास तीन इमेज है, सबलाइम टेक्स्ट का लोगो है, पुमा का है और HTML5 का है, ओके। तो यहाँ से ले लेते हैं पाथ इमेजेस, और वहाँ पे क्या था, नेम कौन सा था देख लेते हैं। यहाँ से पहले नेम था ये, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ओके पेस्ट, ठीक है। ILT में यहाँ पे मैं IMG दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इमेज के जो पाथ ना मिले तब ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तीन बार प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे है पुमा और सबने, ठीक है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो लोगो तो आ गए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े आए हैं लोगो, तो इसको मैं भी सेट कर देता हूँ वाइट विथ से, ठीक है। इसकी विथ है मैं लगा देता हूँ 300, और हाइट है वो भी लगा देता हूँ 300, सेव करके रिफ्रेश, ओके। तीनों की हाइट और विथ आ चुकी है। अब यूज आता है बेज टैग का। तो बेज टैग का यूज क्या है दोस्तों, तो इन तीनों के जो पाथ है उसमें कॉमन क्या है ये देख सकते हैं आप, ये कॉमन है, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर टाइटल के नीचे आप बेज टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका जो कॉमन पाथ है वो दे दीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे इसका जो कॉमन पाथ है वो मैंने दे दिए। अब यहाँ से अगर आप कॉमन पाथ इसका निकाल दोगे तब भी इमेज डिस्प्ले होगी, क्योंकि यहाँ से कॉमन पाथ तो अपने आप ही ऐड हो गया है यहाँ से बेस थ्रू, ठीक है। पाथ तो ऐड हो चुका है, तो यहाँ से ये HTML डॉक्यूमेंट है अपने आप ही ये पाथ को इंक्लूड कर लेगा आप में, ठीक है। और यहाँ पे इमेज ये मिल जाएगी उसको, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, पाथ तो वहाँ से कॉमन पाथ यहाँ से लगा दिया है, सिर्फ इसको इमेज मिलनी चाहिए। तो पाथ यहाँ से मिल गया और इमेज यहाँ से मिल गई, ताकि सभी इमेज टैग में आपको पाथ लगाने की जरूरत ना पड़े इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह था बेस टैग। तो कुछ नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो मिलते, तब तक बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।